अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी वेबसाइट की बात करेंगे जहां से आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां से आप कुछ ऐसे कोइंस की भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आपको तीन चीज़ों में फ़ायदा होगा। एक आपको ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा होगा, एक आपको माइनिंग के अंदर फ़ायदा होगा, और दूसरा तीसरे नंबर पे जो आपको किसी भी स्कैम या फ्रॉड से बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोग शायद इस वेबसाइट को यूज़ करते भी हों, क्वीन मार्केट कैप नाम है इस वेबसाइट का, लेकिन उनको शायद इसकी अहमियत का इतना अंदाज़ा ना हो। तो मैं आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है आपने किस तरह से इसकी माइनिंग के अंदर किस तरह से आपको फ़ायदा है इसका, इस वेबसाइट का, और स्कैम से, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के स्कैम अगर है तो उससे कैसे बचा जा सकता है इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको इसका दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेप्थ में। अब यहाँ पर देखें कि एक टैब ट्रेंडिंग का बनाया है कि जो कोइन मोस्टली ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बिगेस्ट गेनर हैं, और रिसेंटली एडिड जो नए कोइन अभी रिसेंटली इसके अंदर ऐड किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर टॉप पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रिप्टोज लिखें कि कितने कोइन इसके अंदर जो है ऐड किए गए हैं। इसके अंदर 12,333 कोइंस ऐड किए गए हैं, और एक्सचेंजेस कितनी हैं, 419 एक्सचेंजेस हैं। अब देखें, हमने सिर्फ 5 या 10 एक्सचेंजेस का ज़्यादातर नाम सुना होगा, तो जो भी आप एक्सचेंज वगैरह आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर वो रैंकिंग वाइज आपको बता देगा कि कौन सी एक्सचेंज है। ये आप इसके लिए भी आपको फ़ायदेमंद हो सकता है कि आपने कौन सी एक्सचेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप वॉल्यूम की बेस पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक्सचेंज स्कोर यहाँ पर 9.8 वॉल्यूम बताया हुआ है, एवरेज लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बाइनेंस जो है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और कितनी एक्सचेंज कोइंस वगैरह वो सपोर्ट करें, यहाँ से आप एक्सचेंजेस की इन्फॉर्मेशन बड़ी डिटेल के साथ यहाँ से ले सकते हैं। इससे आपको एक और भी फ़ायदा होता है कि बहुत सारी स्कैम और फेक वेबसाइट्स भी हैं जो क्रिप्टो करेंसीज़ की एक्सचेंजेस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो स्कैम है। तो आप उस एक्सचेंज को यहाँ से आके देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप वहाँ पर अपने पैसे लगाएँ और आपके सारे पैसे डूब जाएं, तो आप यहां से आके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपको एक एक एक्सचेंज की जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां पर डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं, जिस तरह ETF कोइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मैंने वीडियो बनाई थी, जिस तरह फ्यूचर या मार्जिन ट्रेडिंग होती है, तो वो भी यहाँ पर आपको बता देंगे कौन सी एक्सचेंज जो है कितनी कोइन सपोर्ट करती है, नंबर ऑफ़ मार्केट्स और ओपन इंटरेस्ट वगैरह बहुत सारी यहाँ पर डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन लिखी है। मेकर फ़ीस, टेकर फ़ीस, फ़ीस के हिसाब से भी आप इसको जो है फ़िल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये है डेक्स। अब यहाँ पे कैटेगरीज़ भी देखें मान गई कि डेक्स में जो है टॉप पे कौन सी आ रही है। तो ये डेक्स एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यानी कि इसमें जो है कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती, तो आप उस लिहाज से भी इसको यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ लैंडिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप किसी कोइन को जो है लैंड करना चाहते हैं, मतलब कि उधार उधार लेना चाहते हैं, जिस तरह क्रिप्टो लोन्स होते हैं, तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी खैर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। अच्छा, आगे आप देखें कि यहाँ पर मार्केट कैप बताई हुई है, वॉल्यूम बताया हुआ है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस कितनी है और इथेरियम की डोमिनेंस कितनी है, वो सारा कुछ यहाँ पर, और इथेरियम की जो गैस फीस है वो कितनी इस वक्त चल रही है। गैस फीस होती है जब NFT वगैरह हम करते हैं, तो उनके नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, तो वो फीस एक लगती है जिसे हम गैस कहते हैं, इथेरियम गैस। अच्छा, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज़ की आपको रैंकिंग मिल जाएगी, यहाँ पर रैंकिंग मिल जाएगी रिसेंटली एडिड जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन और भी दिया हुआ है प्राइस एस्टीमेट्स का, हम इसे भी देख लेते हैं। प्राइस एस्टीमेट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वीन मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कितना एस्टीमेशन है, तो मैं एस्टीमेट अपना यहाँ पर सबमिट करना चाहता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं $10 सबमिट कर देता हूँ, तो अब मैं सबमिट करूँगा तो मैं बाकी लोगों का यहाँ पर एस्टीमेट भी जो है देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने $10 सबमिट किया, तो बाकी लोगों ने जितना भी यहाँ पर सबमिशंस की हुई हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी वगैरह भी। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिंग के अंदर तो आपको देखने के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है, कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है
तो आप वो जो है यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उसमें जो है फिर आपको, या इसमें अगर हम इस पे ऊपर क्लिक करें फॉर एग्जांपल कार्डोना पे, तो किसी एक सिंगल क्वीन की भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से भी हम वैसे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर कोई लिस्टिंग हो रही है, कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई ट्विटर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है इनका ट्विटर के ऊपर, कोई भी न्यूज़ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि उस ये एडा की मैंने जिस तरह यहाँ पर खोला, तो यहाँ पर रैंकिंग बता रहा है और टाइप बता रहा है क्वीन है। और यहाँ पर देखें कि उसकी वेबसाइट एक्सप्लोरर, और जहाँ से आप ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं, इसकी कम्युनिटी आपको सारी की सारी कम्युनिटी जितनी भी हैं वो आपको लिंक्स यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चैट वगैरह भी इनसे कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सोर्स कोड भी इसका मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वैसे एडवांस यूज़र्स के लिए होता है, और वाइट पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और कंट्रैक्ट किसके ऊपर है? बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। तो देखें, जो फेक होता है ना क्वीन, मैंने आपको बताया कि आपको स्कैम से बच सकते हैं, जो फेक क्वीन होता है उसकी यहाँ पर उसकी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। पहली बात ये है, वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होगा क्वीन मार्केट कैप के ऊपर। दूसरे नंबर पे अगर किसी वजह से आप भी जाते हैं तो उसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पर देखें कि डिटेल मज़ीद आगे लिखी हुई, इसका ग्राफ वगैरह बना, यहाँ पर आप प्राइस की स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, तो वो इतनी डिटेल के साथ यहाँ पर नहीं होगी। इस तरह आप स्कैम से भी बच सकते हैं किसी भी क्वीन में इन्वेस्टमेंट करने, या किसी भी एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप यहाँ से आके उसको देख सकते हैं। अब माइनिंग के अंदर आपको इसका कैसा फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करूँ, तो ये देखें कि कार्डोना की कितनी डिटेल के साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो माइनिंग का मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं जो एक्सचेंजेस के ऊपर, बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल नहीं होते, तो छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो अब आपने फ़र्ज़ करें माइन कर लिया, जिस तरह मैंने वीरस कॉइन की माइनिंग करना आपको सिखाई थी, तो अब आप हम उसको सेल करना चाहते हैं, तो वीरस कॉइन को हम कहाँ सेल करेंगे? हमें कोई एक्सचेंज चाहिए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉइन जो है कहाँ पर अवेलेबल है? तो यहाँ पर हर कॉइन के नीचे जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। ये देखें, अब ये कार्डोना की मार्केट है, कहाँ कहाँ पे आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं, और पेयर आपको कौन सा मिलेगा, और कितनी प्राइस चल रही है यहाँ पर। तो कॉन्फिडेंस हाई लो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये देखें, बाइनेंस है, क्वीन बेस एक्सचेंज है, और यहाँ पर क्यू क्वीन और यू बी ग्लोबल है एक्सचेंज, इनके ऊपर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ऐसा क्वीन माइन किया जो एक्सचेंज, बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वीरस क्वीन, तो ये देखें वीरस क्वीन आ गया। अब आपने माइनिंग किया, तो इस तरह देखें आपको ट्रेडिंग में भी फ़ायदा हो रहा है, स्कैम से बचने में भी फ़ायदा हो रहा है, और माइनिंग से भी, माइनिंग में भी आपने माइनिंग की किसी क्वीन की, तो आप देखना चाहते हैं कि उसका वॉल्यूम वगैरह कितना है, और कौन कौन सी एक्सचेंज पे अवेलेबल है, या आप जो क्वीन माइन करना चाहते हैं क्या वो जेन्युइन भी है या नहीं, तो ये ना हो कि आपके साथ जो है फ्रॉड वगैरह यहाँ पर हो जाए। तो अभी वीरस क्वीन मैंने यहाँ पर खोला, तो देखें उसका एक्सप्लोरर वगैरह यहाँ पर सारी डिटेल, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसकी दी हुई है, और लोगों और जो एस्टीमेट्स वगैरह हैं, प्राइस एस्टीमेट्स हैं, तो लोगों ने यहाँ पर अपने वोट वगैरह भी दिए होते हैं। आप साइन अप कर लें तो बेहतर है, ना भी करें तो उसके बगैर भी आप चला सकते हैं। साइन अप करने से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिस तरह मुझे प्राइस एस्टीमेशन करने का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पर देखें ना, वीरस क्वीन की मुझे मार्केट बता दी। अब मैंने आपको बताया ना कि माइनिंग के अंदर मुझे ये फ़ायदा देगी वेबसाइट, के मैं देख सकता हूँ कि कौन सा क्वीन कौन से एक्सचेंज पे अवेलेबल है। अब ये वीरस क्वीन है, इसका कौन से पेयर में अवेलेबल है, ये यहाँ पर उसने पेयर बता दिया। और अभी देखें कि ये वीरस क्वीन जो है ये बिट ग्लोबल की एक एक्सचेंज है, वहाँ पर अवेलेबल है, और सेफ ट्रेड और ग्रेवीएक्स, और यहाँ पर भी सेफ ट्रेड का बताया हुआ है। तो अब इन एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल, अब मैं क्या करूँगा, मैंने अब देख लिया, अब यहाँ से मैं उसकी लिक्विडिटी या वॉल्यूम वगैरह भी देख सकता हूँ। तो मैं इस बिट ग्लोबल की जो एक्सचेंज है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो मैं इसके ऊपर अकाउंट बना के अपना जो वीरस क्वीन है वो यहाँ पर मैं सेल कर दूँ, तो मैं उसे जो है यहाँ पर आके सेल कर दूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ग्राफ और के साथ साथ आपको ये इसकी हिस्ट्री भी मिल जाती है यहाँ पर सारी की सारी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है ट्रेडिंग करने के लिए कि यह कहाँ तक गया था। अब यहाँ पर सामने भी देखें ना कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इस क्वीन को, या एक्सचेंज कौन सी है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे ही उन्होंने अलग से ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्टो, यहाँ पर आप अर्न भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्टेकिंग या लर्न करके भी जो है आप यहाँ से क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया कि गेनर लूज़र, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर है एक्सचेंजेस के हिसाब से, आप एक्सचेंजेस के हिसाब से आप किस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वेयर टू बाय, तो
अगर आप इसमें ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर नए हैं तो यहाँ पर आपको गाइड कर देगा कि आप अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं बिटकॉइन वगैरह, तो यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, तो वो आपको रेकमेंड कर रहा है कि कौन सी वेबसाइट के वेब जो हैं आप एक्सचेंजेस को यूज़ करके यहाँ से बाय करें। अच्छा एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है NFTs। NFTs का मैंने बताया था डिटेल के साथ कि नॉन फंजिबल टोकन होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, तो आप यहाँ से ओवरऑल NFT स्टैटिस्टिक्स और टॉप कलेक्शंस वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। तो हाईएस्ट प्राइस NFT स्टैटिस्टिक्स, तो ये देख सकते हैं कि ये वाले NFT जो हैं सबसे ज़्यादा प्राइस पे बिक रहे हैं, उनकी आप प्राइस देख सकते हैं। आप जिस हिसाब से भी इसको चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें, अगर मैं मार्केट कैप के लिहाज से इसको चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो व्यू प्राइस ओरिजिनल, अब अगर आप इसको डॉलर में देखना चाहते हैं तो आप डॉलर में भी देख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आप कलेक्शंस वगैरह भी इनके टॉप यहाँ से देख सकते हैं, और NFTs रिलेटेड कॉइन जो हैं वो कौन से पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखें। अब ये देखें EXS बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आपने खुद देखा है कि यहाँ से जो है ये कितनी ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर गई है। तो इसी तरह आप बाकी कॉइन्स का भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाती है, माइनिंग से रिलेटेड भी आपको मिल जाती है, और ख़ास तौर पे जो है स्कैम से बचने के लिए। क्रिप्टो करेंसीज़ के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम किया जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर भी। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब भी आपने कोई काम करना होता है तो यहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इन वेबसाइट के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और इन वेबसाइट के थ्रू ही जो है आप बच सकते हैं किसी स्कैम से। इन्फॉर्मेशन यहाँ से, एक और वेबसाइट है क्वीन जी को, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल के साथ, तो वो चीज़ें आपको इन तीनों चीज़ों में फ़ायदा देंगी, ट्रेडिंग के अंदर, माइनिंग के अंदर और स्कैम से बचने के लिए। अच्छा वैसे अब तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप बारी बारी इनको जाके देख सकते हैं पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट के अंदर भी। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, कैलेंडर्स। कैलेंडर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन से क्वीन का जो है फ्री ईयर ड्रॉप्स आने वाले हैं एडवांस में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनिशियल क्वीन ऑफरिंग जो हो रही होती है, जो नया क्वीन लॉन्च हो रहा होता है, तो वो जो है उसकी डेट और टाइम आपको यहाँ से पहले पता लग जाती है, और पोलका डॉट पैरा चेंज और इवेंट्स कैलेंडर। अब मैं फ्री ईयर ड्रॉप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ऑन गोइंग ईयर ड्रॉप्स जो ऑन गोइंग है और जो अपकमिंग है, अभी ये हैप्पी फैंस का है, पार्टिसिपेटेड नंबर ऑफ विनर और टोटल ईयर ड्रॉप अमाउंट 7 मिलियन हैप्पी कॉइन जो है आपको दिए जाएंगे, और अपकमिंग जो अभी आगे आने वाले हैं, तो ये NFT टोकन है, ये गैलेक्सी है, ये बुल है, तो ये जो है आगे ईयर ड्रॉप्स आने वाले हैं, तो आप पहले से यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और ये फ्री में वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए जाते, और यहाँ पर वो ईयर ड्रॉप्स शो हो रहे हैं जो एंड हो गए हैं, तो ईयर ड्रॉप्स में भी आप यहाँ से जल्दी कर सकते हैं अगर आप ईयर ड्रॉप्स के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर ICO कैलेंडर को हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये चल रहे हैं, अपकमिंग अभी आगे आने वाले हैं सोल रेजर, तो यहाँ पर वो जो अगर आप कोई नया कोइन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके ऊपर आप मज़ीद क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाऊँगा भी सीख के किस तरह से ये बाय किया जाते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्वैप्स का, स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर हम कॉइन्स को स्वैप करते हैं जिस तरह हम बाय सेल करते हैं, तो यहाँ पर भी एक स्वैप का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो इसके अंदर तो हमें पहले वैसे वैलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है एक कॉइन से दूसरे में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इथेरियम सेलेक्ट करना चाहते हैं या बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं, और स्वैप यूनी स्वैप को यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ करके मैं कॉइन्स को जो है स्वैप कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए मुझे पैनकेक स्वैप या MDEX कॉइन जो है यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये कनेक्ट कैसे करना है इंशाल्लाह मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊँगा। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉक चेन एक्सप्लोरर इंटरेस्ट रेट के लिहाज से भी आप यहाँ पर कॉइन देख सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट स्टेकिंग करके इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप कौन सा कॉइन स्टेक करें तो आपको सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट किसके ऊपर मिलेगा और कौन सी एक्सचेंज के ऊपर इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। तो एक और चीज़ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ से आप लर्निंग करके पैसे फ्री में क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं, यानी आप सीखने के साथ साथ आप क्रिप्टो करेंसी भी फ्री में अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ लर्न के अंदर आप अर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है अर्निंग कर सकते हैं, आप वीडियोज़ देखेंगे तो वीडियोज़ देखने के बदले आपको जो है कोई ना कोई
व्हाट क्रिप्टो करेंसीज कैन आई अर्न, यहाँ पर आपको कोई ना कोई जो है क्रिप्टो करेंसी दी जाएगी, जिस कोइन से रिलेटेड आप सीखेंगे वही कोइन आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने अर्न सेंड करना है तो आपको आर्टिकल की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में आपको बता देगा, फिर आपसे एक क्विज ले लेगा, तो उसके बदले जो आपको फ्री में क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, इससे आपको दो फायदे, एक तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे आप जो है यहाँ से आपको फ्री में पैसे भी कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वीडियोस का भी ऑप्शन है, वीडियोस भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम रैंकिंग के साथ साथ जो है जब हम किसी क्वीन को देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको कैटेगरीज मिलती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने क्वीन की कैटेगरी लाजमी देखनी है। तो जो सोलाना नेटवर्क के ऊपर हैं काम करते हैं तो वो यहाँ पर आपको क्वीन शो जाएंगे। यहाँ पर प्ले टू अर्न मतलब गेम खेलो और फ्री के अंदर क्रिप्टो करेंसीज कमाओ, तो उसके अंदर सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो AXS क्वीन है, माना है, बाकी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ कैटेगरीज भी इनकी बताई हुई हैं, तो वैसे छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव हैं, मैंने मेनली इसका ओवरव्यू दिया है। इंशाल्लाह मैं आपको इन डेप्थ के अंदर भी एक एक पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन मेरा असल मकसद ये था कि आप किसी स्कैम से बच सकें और माइनिंग के अंदर आपको जो है हेल्प हो जाए कि आपने कौन सा क्वीन कहाँ पर बाय या सेल करना है, और इसके अलावा ट्रेडिंग के अंदर आपको आइडियाज़ मिल जाएँ फ्री ईयर ड्रॉप्स की, ICOs, कैलेंडर्स की और इवेंट्स वगैरह, कैलेंडर जो भी इवेंट्स वगैरह आगे आने वाले हैं तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।